Good morning, student. 12th class physics. Yesterday we discussed about LC oscillation and selector circuit. Today we are going to discuss about the numerical is based on LCR series circuit. हम LCR series circuit के base पे numerical solve करेंगे. तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? LCR क्या था? L inductor, C capacitor और R resistor. ये तीनों किसमें connect थे? Series के अंदर connect थे. और इसके अंदर हमने एक निकाला था, क्या? इम्पीडेंस. क्या निकाला था? इम्पीडेंस. इम्पीडेंस को किससे रिप्रेजेंट किया था? जेड से. क्या फॉर्मूला था उसका? जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर. एक्स एल क्या था? रिएक्टिव इंडक्टर. और एक्स सी क्या था? रिएक्टिव कैपेसिटर. तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो क्या कह रहा है? ए रेजिस्टर ऑफ 200 ओम. एक 200 ओम का रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है 50 माइक्रोफेराड. देखो, रेजिस्टर की यूनिट क्या होती है? ओम. तो वो दिया हुआ है 200 ओम. ये तो ठीक है. कैपेसिटर सी कितना दिया हुआ है? 50 माइक्रोफेराड. कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फेराड. तो सबसे पहले हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? फेराड के अंदर कन्वर्ट करेंगे. तो 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है? 10^-6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो किसके अंदर कन्वर्ट होगा? फेराड के अंदर. आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 220 वोल्ट. कैसे कनेक्ट हुए? सीरीज के अंदर कनेक्ट हैं, जो कि वी कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट के साथ. और फ्रीक्वेंसी दे रखी है इन्होंने कितनी? 50 हर्ट्ज. जो एसी सोर्स हम दे रहे थे उसके अंदर देखो, ऐसे कनेक्ट है रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर. और जो हम ये एसी सोर्स अप्लाई कर रहे थे, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इन्होंने कितनी दी है? 50 हर्ट्ज दी है. क्लियर? समझ आया स्टेटमेंट? कैलकुलेट द करंट इन दिस सर्किट. इस सर्किट के अंदर हमें बताना है कि कितना करंट फ्लो हुआ. कितना करंट फ्लो हुआ? तो करंट के लिए हमें इंपीडेंस निकालना पड़ेगा पहले Z, क्योंकि हमारे पास R की वैल्यू भी है, एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू भी है. निकाल लेंगे. देखो, एक्स एल माइनस एक्स सी. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? इंपीडेंस देखो, Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर और अंडर. ठीक है, कैपेसिटर की बात हो रही है. कैपेसिटर एक्स सी किसके इक्वल था? 1/ωc. ओमेगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी थी? 1/2πμ/c. ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इसके अंदर, आर स्क्वायर प्लस 1/2πμ/c का स्क्वायर. ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर आ जाएगी, तो हम यहाँ सीधे लिख देती हूँ 2πμ/c का पावर माइनस 2 और इसका अंडर. समझ आया ये वैल्यू कैसे सोल्व किया हमने? एक्स सी कैपेसिटर की बात कर रहे थे, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है? 1/ωc, जो कि हम निकाल चुके. ओमेगा की वैल्यू 1/2πμ. क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी म्यू की वैल्यू गिवन है 50 हर्ट्ज, इसलिए ये वैल्यू पुट की पावर है ऊपर जाके नेगेटिव होगी. अब ये वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट करो तो हम क्या करेंगे? देखो, आर रेजिस्टर कितना दिया हुआ है? 200. तो 200 का स्क्वायर प्लस 2 × π, वी की वैल्यू 50, सी की वैल्यू 50 × 10^-6 और इसकी पावर माइनस 2 और इस सारे का अंडर. ये क्या निकल जाएगा अपने पास? जेड इंपीडेंस. जेड इंपीडेंस यानी एक टाइप से क्या निकल गया? रेजिस्टेंस. और हमने जेड इंपीडेंस की यूनिट क्या निकली थी? ओम. तो लास्ट में आंसर निकालने के बाद जो इसकी यूनिट आएगी वो क्या जाएगी? ओम. ये तो निकल गया हमारे पास जेड इंपीडेंस. हमें तो क्या निकालना था कि सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो रहा है. तो आई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी किसके इक्वल है? आई इंटू आर. यहाँ पे आर की जगह किसने काम किया? जेड इंपीडेंस. तो आई की वैल्यू क्या आएगी? वी डिवाइडेड बाय जेड. वी कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट. तो यहाँ पे वी की वैल्यू पुट करेंगे 220 वोल्ट. जेड की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो पुट कर देंगे. क्या निकल जाएगा? करंट. और करंट कैसा है? यूनिट एम्पियर. तो यूनिट साथ में लिखनी कंपलसरी. तो इस टाइप से ये था इसका फर्स्ट पार्ट. देखो दोबारा.
दोबारा से क्या कह रहा है। उसने बोला कि सर्किट है, LCR सर्किट जो कि सीरीज के अंदर है, रेजिस्टर दिया, कैपेसिटेंस दिया, इतने वोल्ट दी, और जो एसी सोर्स हम अप्लाई कर रहे थे वो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ने अप्लाई की। यहाँ से हमने जेड की वैल्यू निकाल दी। हमें क्या निकालना था, सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो जेड निकाला इंपीडेंस, फिर हम करंट निकालेंगे वी अपॉन जेड। वी की वैल्यू 220, जेड की यहाँ से वैल्यू पुट की निकल जाएगी। सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड द कैपेसिटर। वोल्टेज निकालनी है किस किस के अक्रॉस, कैपेसिटर के और रेजिस्टर के। तो देखो रेजिस्टर के अक्रॉस निकालेंगे वी आर किसके इक्वल आ जाएगा, आई इंटू आर। आई की वैल्यू जो फर्स्ट वाले पार्ट से निकालेंगे, रेजिस्टर आर कितना दिया हुआ है 200। ये वोल्टेज किसके अक्रॉस निकल गई, आर के अक्रॉस, मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस। नेक्स्ट में किसके निकालना है, कैपेसिटर के। कैपेसिटर के वी सी किसके इक्वल आएगा, आई एक्स सी। आई की वैल्यू जो यहाँ से निकालेंगे वो वाली पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई एक्स सी की वही 2 पाई न्यू इंटू सी। वी की भी है, सी की भी है, सबकी वैल्यू निकल जाएगी। ये क्या निकल जाएगा यहाँ पे, से वोल्टेज किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस। यहाँ से वोल्टेज किसके अक्रॉस निकल रही, रेजिस्टर आर के अक्रॉस, ठीक है। फिर निकालना है सर्किट के अंदर टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज दोनों का सम कर देंगे, कैपेसिटर वाले का भी और रेजिस्टर वाले का भी, ठीक है। समझ आया, पाइथागोरस को अप्लाई करके हम उसका करेंगे वहाँ से। इसी के बेस पे एक और न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, वो न्यूमेरिकल और सोल्व कर लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, वो न्यूमेरिकल अच्छे से करना है। कह रहे रेडियो कैन ट्यून अवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ए पोर्शन ऑफ मेगा वो ब्रॉडकास्ट बैंड 800 किलो हर्ट्स टू 1200 किलो हर्ट्स। इफ इट्स एलसी सर्किट हैज एन इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ 200 माइक्रो हेनरी, व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर। तो ये कह रहा है उस कैपेसिटर की रेंज क्या है। तो देखो इस न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, हाँ जी उस न्यूमेरिकल में देखो हमें क्या निकालनी है, कैपेसिटर की रेंज निकालनी है। और जो फ्रीक्वेंसी दी हुई माइक्रो वाली, जो पहले वाले यूज करते थे किसमें दी हुई पड़ी थी, किलो हर्ट्ज में। तो जो फ्रीक्वेंसी F1 मान लेते हैं कितनी दी हुई, 800 किलो हर्ट्ज। तो हर्ट्ज के अंदर कन्वर्ट की तो 800 मल्टीप्लाई 10^3 हर्ट्ज। सेकेंड जो F2 की दे रही है वो दे रही है 1200 किलो हर्ट्ज। तो इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करूंगी तो 1200 × 10^3 हर्ट्ज में हो गई। पहले जो पहले के जमाने में होता था वो किलो हर्ट्ज में लेके चलते थे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर इसने इंडक्टर L, हेनरी किसकी यूनिट में, इंडक्टर की कितनी दी है 200 माइक्रो हेनरी। हेनरी में कन्वर्ट करूंगी तो 200 × 10^-7 हेनरी। ये क्या है अपना इंडक्टर L। क्या निकालना हमें, कैपेसिटर C निकालना है हर एक। तो हमने पढ़ा था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट, क्या पढ़ा था 1/√LC। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो पहले हम फर्स्ट के लिए निकालेंगे 2 πf1 = 1/√L कैपेसिटर C, ठीक है। वैल्यू पुट करो 2 πf1 की वैल्यू कितनी आई है 800 × 10^3 1/√L की वैल्यू कितनी है, वैल्यू पुट की 200 × 10^-7 कैपेसिटर C की वैल्यू हमें निकालनी है। निकल जाएगी C1 की वैल्यू, यूनिट क्या आएगी फैराड। कैसे करोगे, स्केलिंग ऑन बोथ साइड करके सोल्व कर लेना, हो जाए, ठीक है। C1 की वैल्यू निकल गई, ऐसे ही किसकी निकालेंगे हम, C2 की निकालेंगे। हमें रेंज निकालनी है ना कैपेसिटर, हर वेरिएबल हर कैपेसिटर C1 की निकालनी है, C2 की। F1 के अक्रॉस C1 की निकालनी, ऐसे F2 के अक्रॉस किसकी निकाल देंगे, C2 की। तो 1 की जगह 2, यहाँ पे भी 2। वैल्यू पुट करो 2 π, F2 की वैल्यू कितनी आई है 1200 × 10^3 = 1/√L की वैल्यू वही 200 × 10^-7 और C1 की जगह क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। यही हमने निकाला, इंपॉर्टेंट मैंने कल अच्छे से करना है, ठीक है। किसकी रेंज निकल गई है हमारे पास,
कैपेसिटर की रेंज निकलेगी। ओके, तो ये हमारा था एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल एलसीआर।